జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి. జై భవాని, జై మాతాది. కల్సే నవరాత్రి కా ఉత్సవ కార్యక్రమం ప్రారంభ హో రహా హై పూరే భారత్ మే ఔర్ తెలంగాణా మే బహుత్ జగహోం పర్ ఇస్ పవిత్ర నవరాత్రి కే అవసర్ పర్ बहुत प्लेसेस में दांडिया उत्सव कार्यक्रम किया जाता है. लेकिन मैं सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं, जो दांडिया उत्सव कार्यक्रम लगाते हैं उन ऑर्गेनाइजर उन मेंबर से ये निवेदन है कि गैर हिंदू को एंट्री ना दें. और स्पेशली बाउंसर हो, साउंड सिस्टम वाला हो, कैमरामैन हो या वीडियोग्राफर हो, कोई भी हो, वो हिंदू होना चाहिए, गैर हिंदू नहीं होना चाहिए. क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से लव जिहाद के केसेस बढ़ते जा रहे हैं. तो इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमारा जो दांडिया उत्सव जो कार्यक्रम होगा, ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी रहेगी कि आप जहां पर आपका गेट रहेगा, जहां पर आप लोग पास का चेकिंग करते हैं, वहीं पर ही आधार कार्ड चेक करने के बाद में ही दूसरों को एंट्री दे. ये मैं ऑर्गेनाइजर से निवेदन करना चाहूंगा. साथ ही साथ अगर कोई भी ऑर्गेनाइजर्स अगर गलती करेगा तो फिर भुगतना भी पड़ेगा, ये भी बात ध्यान रखना, क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं. अगर जहां कहीं भी लव जिहाद के नाम पर अगर हमारी हिंदू बहन बेटी के ऊपर अगर कोई घात लगाएगा, अगर कहीं पर भी तकलीफ अगर पहुंचाएगा, तो हम छोड़ेंगे नहीं. ये ऑर्गेनाइजर से मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपया करके थोड़ी सावधानी बरते. साथ ही साथ उन तमाम मेरे हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि हम हमारे परिवार के लोगों को जब दांडिया उत्सव जब खेलने के लिए हम जाते हैं, हमारी लड़कियां जब जाती है, कृपा करके आप लोग भी थोड़ा सावधानी बरते. क्योंकि ये जो लव जिहादी के जो षड्यंत्रकारी है ना, इनका कोई रूप नहीं, इनका कोई नाम नहीं, तिलक लगाकर आते हैं और हमारी बहन बेटी को टारगेट करते हैं. कृपया करके मेरी बात का ध्यान दें. धन्यवाद. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.